क्या अर्थशास्त्र और गणित का कोई भी जानकार इस ग्राफ को समझ सकता है? शायद नहीं। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट हुआ यह ग्राफ बीजेपी की बाकी नीतियों की तरह है, जिसे आम जनता के लिए समझ पाना कुछ मुश्किल है। साल दर साल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी का यह ग्राफ 80 रुपए के बार को 71 और 40 रुपए के बार से भी नीचे दिखाता है। 4.5 सालों के कार्यकाल के बाद ब्रांडिंग के लिए तर्कहीन और गलत पोस्टर या ग्राफ का सहारा लेना बीजेपी की निराशा है या उनकी असफलता का आउटपुट, या फिर क्या इस तरह के पोस्टर के साथ बीजेपी जनता की औसत समझदारी पर सवालिया निशान लगा रही है?